हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्किल अप विद एसके। मैं आज आपके सामने झींगे का अचार बनाने का तरीका समझाऊंगी। तो आप सबसे पहले अचार बनाने के लिए छोटे छोटे झींगे पसंद कर लें और झींगे लेने के बाद उसको साफ़ करें। अच्छी तरह साफ़ करने के बाद झींगे पानी से एक बार धो लें। उसमें हल्दी का आटा और नमक डालकर मिलाएं और 15 मिनट के लिए छोड़ दें। पंद्रह मिनट के बाद उसको अच्छी तरह से साफ पानी से धो लें। धोकर पानी निकाल लें। पूरी तरह पानी में से निकालने के बाद मसाले तैयार कर लें। मसाले जो है मेथी, लौंग, काली मिर्च, अजवाइन, राय, हींग, करी पत्ता, लहसुन, अदरक, इमली का खट्टा, साथ में शुगर, मिर्ची का आटा, सॉल्ट स्वादानुसार और 200 ग्राम झींगे। प्रॉन्स को हम अच्छी तरह धो के रखेंगे। वेनेगर को हम इस्तेमाल करेंगे ताकि इसमें थोड़ा खटास हो। अच्छे किस्म का, अच्छी क्वालिटी का तेल यूज़ करें। सरसों का तेल भी रहता है तो बहुत ठीक है। इमली के खट्टे को हम पेस्ट बना लें। इसे ना इमली के खट्टे को नरम करने के लिए गर्म पानी में पहले भिगो लें, उसके बाद उसका पेस्ट बनाएं। सारे सॉलिड मसालों को एक एक करके हम कूट लें। अजवाइन थोड़ा कम डालें, थर्ड क्वांटिटी एक एक हाफ हाफ स्पून इस्तेमाल करें। मेथी का थोड़ा कम इस्तेमाल करें क्योंकि उसमें थोड़ी करवाहट होती है लेकिन खुशबू बहुत अच्छी होती है। इन चीज़ों को भून कर रख लें और उसके बाद बारीक कूट लें। इतना बारीक भी नहीं कि मिक्सी में जैसा हो, थोड़ा सा मोटा रखें। उसके बाद लहसुन को थोड़ा सा कूट ले। अदरक लहसुन को कूटने के बाद आइए अब कढ़ाई को थोड़ा सा गरम कर लेते हैं। कढ़ाई गरम होने के बाद उसमें एक कप ऑयल डालें। आग को धीमी रखें ताकि जलने ना पाए। करी पत्ते को डालकर तेल गरम होने का टेस्ट कर लें। उसके बाद सारे करी पत्ते डालकर गरम करें और करी पत्ते करी होने तक उसको रखें और लहसुन जो है ब्राउन कलर की हो जाए तब तक उसे भूनते रहें। जब लहसुन ब्राउन कलर की हो जाए तो उसमें प्रॉन्स झींगे डाल दें। धीमी आग पर भुने। अच्छी तरह थोड़ा सा ब्राउन कलर आ जाए तो उसे हम दूसरी प्लेट में निकाल लें। प्रॉन्स को अलग निकाल लें, बचा हुआ तेल कढ़ाई में रखें। अब अगले जो है इमली का पेस्ट। इमली का पेस्ट के अंदर एक 2 चम्मचे यानी 2 स्पून शुगर डालें। स्वादानुसार सॉल्ट नमक डालें।
और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। शक्कर के दाने पूरे पिघलने तक उसको हिलाएं, पेस्ट बनाकर रखें। अब बचे हुए तेल में दालचीनी के 2 टुकड़े डालकर उसे भुने, ब्राउन होने तक भुने। कुटा हुआ हमारा गरम मसाला जो था उसको हम डालेंगे। धीमी आंच पर भूनते रहें, जलने ना दें ताकि खुशबू ख़राब होती है। उसके बाद जो हमने झींगे निकाले थे उस झींगे को दोबारा उस कढ़ाई में डालेंगे, उस तेल में डालेंगे जो हमारे गरम मसाले के साथ है। आहिस्ता आहिस्ता उसको चमचा हिलाते जाएं, चटपटा आवाज़ आती है, तेल अलग चुक जाता है, तब तक उसको भूनते रहें। और भुनने के बाद उसमें हमारा बनाया हुआ पेस्ट डाल दें। पेस्ट डालने के बाद आहिस्ता से हिलाते रहें। ख्याल रखें कि पानी ना रहे। अब उसमें जो है चिल्ली पाउडर यानी मिर्च का पाउडर डालें, साथ में विनेगर डाल दें। मिर्ची का पाउडर 2 स्पून डालें काफ़ी है, अगर किसी को तेज़ पसंद हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं। विनेगर 2 स्पून डालें क्योंकि हमने खटास के लिए इमली का खट्टा इस्तेमाल किया है, तो विनेगर ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मसाले को आहिस्ता आहिस्ता मिला लें इतना के मसाले में तेल अलग होने लगे, तब तक उसको आहिस्ता हिलाते रहें, बड़े आग पर न छोड़ें। अब देखिए मसाले में से तेल अलग अलग होने लगता है, तो यह हमारा आखिरी मरहला है। आपको अच्छी तरह दिखाई देगा कि तेल अलग होते जा रहा है। इस तरह हमारा ये मसाला तैयार हो गया। अभी हमारा अचार खाने के लिए तैयार है। प्लीज़ आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।